नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्स न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं कनिका। अच्छी पढ़ाई, बेहतरीन नौकरी और उज्जवल भविष्य, यही होता है हर युवा का सपना। लेकिन ये सपना हर युवा का पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इंदौर के एक युवा ने इस सपने को साकार किया है और पाई है एक बेहतरीन नौकरी, साथ ही छप्पर फाड़ सैलरी, एक ऐसी सैलरी जिसे पाने का हर कोई ख्वाब देखता है। लेकिन इंदौर के सिद्धार्थ ने इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया है। गूगल और फेसबुक जैसे संस्थानों में जॉब करने का ख्वाब लगभग हर उस युवा का है जो इंटरनेट में रुचि रखते हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत कर अपना ये ख्वाब पूरा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सैलरी पैकेज इतनी ज्यादा है कि बस हर किसी का ध्यान इसी ओर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के सिद्धार्थ राजहंस की। सिद्धार्थ को गूगल ने 3 करोड़ के सालाना पैकेज पर नौकरी दी है। इंदौर का ये होनहार युवा जनवरी में गूगल की नौकरी ज्वाइन करने वाला है। सिद्धार्थ की इस कामयाबी से सिद्धार्थ के परिवार वाले बेहद खुश हैं। मां पद्मा का कहना है कि उन्होंने कभी अपने बेटे पर कोई दबाव नहीं डाला। सिद्धार्थ का मन मैनेजमेंट की पढ़ाई में था और उसी की बदौलत आज ये कामयाबी उन्होंने हासिल की है। जनवरी 2014 में सिद्धार्थ गूगल ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्धार्थ को 3,04,500 पाउंड का सालाना पैकेज ऑफर किया गया है जो 3 करोड़ रुपए के बराबर है। सिद्धार्थ को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रॉयल सोसाइटी ने भी FRS की उपाधि से नवाजा है। इंदौर के सिद्धार्थ राजहंस ने अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपने माता पिता और कठिन परिश्रम को दिया है। मैनेजमेंट एजुकेशन, MBA, ये सब तो हर कोई करता है, बट रिसर्च अपने आप में एक पैशन होना चाहिए और एक अपने आप में रिसर्च जो है एक आप कहें तो क्षेत्र है अपने आप में एक, और इसमें सफलता अगर हासिल हो तो जिंदगी भर आप सफल रहेंगे। ऐसा गुरु मंत्र, क्योंकि मैनेजमेंट के तमाम छात्र और जो जानकार लोग हैं आपको देख रहे हैं, क्या लगता है क्यों 3 करोड़ रुपए आपको दिया गया है, क्या ऐसी वजह है आप? देखिए, मैं कहूंगा कि मेरी रिसर्च की क्वालिटी और मैं समझता हूँ हार्डवर्क जो है, परिश्रम, कठोर परिश्रम, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए। यदि आपने ये पा लिया तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुड लक कुछ नहीं होता है, गुड लक हार्डवर्क ही होता है, और अगर आप हार्डवर्किंग है तो आप सब सक्सेसफुल। वहीं सिद्धार्थ के पिता का कहना है कि उनका लड़का पढ़ाई में तेज तो था, लेकिन वो इस मुकाम तक पहुंचेगा इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि सिद्धार्थ ने कितना वंडरफुल अचीवमेंट अचीव किया है। ऐसा ये कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन जैसे लाइंड अप ऑफर्स हुए हैं। हमने तो साधारण तौर पे ये सोचा था कि बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उसी ने चूज किया कि मैं सिंगापुर में क्यों ना मैनेजमेंट की स्टडीज करूं। तो उस समय पे मैं बैंगलोर में स्ट्राइड जार्को लैब कंपनी में पोस्टेड था, और मैं वहाँ कुछ एजुकेशनल फेयर में मैंने भी लोगों से चर्चा करी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट के लिए, और मैंने भी एंकरेज किया। वहीं से ऑनलाइन हम लोगों की चर्चा होती रहती थी, चैट करते थे। तो सिद्धार्थ खुद, उसका प्रयत्न था, उसने पूरा रिसर्च करके बोला कि मुझे वहीं से पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर गया। उस समय हम लोगों की एज फादर और मदर, हम एज पेरेंट्स, हम लोगों के किसी की ये आइडिया में नहीं था कि ये बच्चा इतना ऊंचाई छुएगा इतने कम समय में। आइए अब देखते हैं अपने बेटे की कामयाबी पर सिद्धार्थ की माँ का क्या कहना है। प्रेशराइज कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को किसी भी स्टेज में, जो आज का एक कॉम्पिटिटिव दौर है, जहां मैंने खुद ऑब्जर्व किया है एक 9th के बाद उनका बचपना ही चला जाता है, इतना ज्यादा उनको प्रेशराइज किया जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। उनको फ्री, उनको जो लेना है जो करना है, आजकल तो इतने स्कोप्स हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चे को पुश करो, उसको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसी लाइन में पुश करो, वो नहीं। एक्चुअली सिद्धार्थ का हर डिसीजन उसका खुद का रहा है और हमने साथ दिया है।
सिद्धार्थ को आखिर ये कामयाबी कैसे मिली, किस तरह का कठोर परिश्रम उन्होंने किया, ये सब कुछ बताने के लिए इंदौर से हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं गूगल में 3 करोड़ सैलरी की नौकरी पाने वाले सिद्धार्थ राजहंस। सिद्धार्थ बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्स न्यूज में, और सबसे पहले तो आपको पर्स न्यूज की पूरी टीम की तरफ से ढेरों बधाइयां। जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज ऑल माइन। सिद्धार्थ सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ी बात है कि 3 करोड़ की सैलरी पैकेज आपको मिला है गूगल की तरफ से, सबसे पहले वो सफर तय करना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये पूरी पढ़ाई की, किस तरह से ये पूरा जो सफर है वो तय किया, इसके बारे में बताइए। जी मैम, मैं इंदौर का ही स्टूडेंट था अंटिल 12th स्टैंडर्ड विद्यासागर स्कूल में। उसके बाद मैं सिंगापुर गया था अपने हायर एजुकेशन के लिए, तो सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने अपनी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। उसके दौरान काफी कंपनीज आई थी वहां पर, फेसबुक, गूगल, एप्पल वगैरह, तो तब मेरा इनिशियल इंटरव्यू हुआ था, तब फेसबुक में चयन हुआ था जो 75 लाख वाला पैकेज था उस पर। उसके बाद मैंने अपने PhD का एंट्रेंस लिखा, उसमें एडमिशन हुआ और फिर मुझे PhD में एडमिशन मिला। उसके बाद PhD में मैं डॉक्टर फिलिप कोटलर के अंदर मार्केटिंग 3.0 पे अपना रिसर्च कर रहा था व्हेन ये गूगल का ऑफर आया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के उपाधि के बाद। जी। तो ये गूगल का ऑफर हाल ही में अक्टूबर के मंथ में आया है और मुझे लंदन में ज्वाइन करना है जनवरी के महीने में। जी। तो बिल्कुल सिद्धार्थ कितने एक्साइटेड हैं इस नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए और इस सैलरी पैकेज के बारे में सुनकर। जी जी वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नौकरी को लेकर। सैलरी पैकेज का ये है कि खैर ये तो पाउंड्स में ऑफर्ड है, लंदन की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वैसी है, बट देन हाँ क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी ऐसी है कि ऑलमोस्ट 1 रुपी 102 पाउंड्स के बराबर है, बट हाँ द सैलरी इज जो मुझे ऑफर की गई थी उसके हिसाब से इंडियन रुपीज में 3 करोड़ तक अमाउंट पहुंचता है। जी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, गूगल मेरा ड्रीम जॉब था। ऑफ कोर्स फेसबुक में मुझे जो प्रोफाइल ऑफर थी क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट के बतौर थी, वह भी मेरा पैशन ही था, बट यह जो है दिस इज एज अ बिजनेस प्रोसेस एंड रिस्क स्पेशलिस्ट, तो ये मेरा सबसे ज्यादा रुचि वाला क्षेत्र है, तो काफी खुश हूँ मैं इसे लेकर। जी सिद्धार्थ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनके माता पिता ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, और आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इस तरह का कोई सपना साकार होता है, तो किस तरह से आपने पूरी तैयारी की, कितनी मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और क्या सिर्फ पढ़ाई करते थे या उसके अलावा खेलकूद में भी कुछ रुचि रखते हैं आप? जी मैं तो दोनों में रुचि रखता हूँ, पढ़ाई और खेलकूद में, और मैं समझता हूँ आज की तारीख में हार्ड वर्क होता है सब कुछ, बट हार्ड वर्क ही सब कुछ नहीं होता, एक स्मार्ट वर्क जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में नेटवर्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही लोगों को जानें, सही लोगों से कनेक्ट रखें और प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करते रहें हर दिन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर दिन बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही में ऑफकोर्स पढ़ाई जो की वो तो काफी की, और उसके साथ रिसर्च वगैरह में काफी समय लगता है, दिन का काफी समय उसी में जाता था सिंगापुर में भी जब था। ऑफकोर्स हार्डवर्क का अपना अलग महत्व होता है, बट उसके साथ मैं समझता हूँ आदमी को एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बनने के लिए, क्योंकि ये सब कंपनीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा समझते हैं प्रोफेशनल आउटलुक के तौर पर नहीं काम करती हैं, काफी कूल कंपनीज है यदि मैं कहूँ तो इनमें आपको यदि प्लेस होना है किसी स्टूडेंट को तो उसके लिए एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी होना जरूरी है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से आपने कहा कि MBA बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन रिसर्च में आपका खास तौर पर आपकी दिलचस्पी थी, अब जो गूगल में आपको जॉब ऑफर हुई है, अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो किस तरह का काम रहेगा, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा गूगल के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी 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 मेरा जो जॉब प्रोफाइल है गूगल में मैम, ये बतौर बिजनेस प्रोसेस एंड रिस्क स्पेशलिस्ट है, ये लंदन में बेस्ड रहेगा फिलहाल, तो मुझे लंदन जाना पड़ेगा जनवरी के महीने में, और यह वैसे तो बिजनेस प्रोसेस एंड रिस्क स्पेशलिस्ट गूगल के मैनेजमेंट में आता है यह पोजीशन, मार्केटिंग बेस्ड पोजीशन है बेसिकली। मुझे मैं टेक्निकली कहूँ तो जो मैकेनिकल प्रोसेस है उनके ऑटोमेशन के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ाकर टर्न अराउंड टाइम कम कर सकूं, एंड रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट, मैं यानी जो घाटे हैं उन्हें कम कर प्रॉफिट बढ़ा सकूं कंपनी का।
जी बिल्कुल सिद्धार्थ, साथ ही ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपकी तरह एमबीए की पढ़ाई करते हैं या फिर बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, अच्छी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, अक्सर कई तरह की सक्सेस पाने के लिए किताबें पढ़ा करते हैं, कुछ गुरु मंत्र चाहते हैं, कुछ टिप्स चाहते हैं, क्या कुछ किताब इस तरह की आपने भी पढ़ी है इसके बारे में भी बताइए। हाँ जी, मैं जो हूँ रिचर्ड ब्रांसन जो है वर्जिन अटलांटिक ग्रुप के जो चेयरमैन है उनसे मिला हूँ मैं, और उनका उनकी जो फिलोसफीज है मैं काफी फॉलो करता हूँ। उनकी भी एक बुक आई है थिंग्स दे वोंट टीच यू एट अ बिजनेस स्कूल, काफी इंपॉर्टेंट बुक, अच्छी बुक है वो इनफैक्ट, और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को यह पढ़ने के लिए। कुछ ऐसी बातें हैं अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड, नेटवर्किंग वर्ल्ड, जो उन्हें इस किताब से सीखने को मिलेंगी, जो कि आमतौर पर जो टेक्स्ट बुक्स रहते हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज के और करिकुलम के, उसमें ये बातें कवर नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, बट पूरे टाइम सक्सेस के बारे में पढ़ना अकेले काफी नहीं है। मुझे लगता है आप खुद, बिकॉज सक्सेस ऐसा इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप हार्ड वर्क कीजिए एंड अपने खुद नियम से काम कीजिए, स्टेडफास्ट रहिए अपने रूटीन में, तो अपने आप हम सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, क्या पहले से ही इस तरह का ख्याल आपके दिमाग में आ चुका था कि मुझे कुछ इस तरह की तैयारी करनी है, या फिर किसी ने आपको पहले गाइड किया, बताया कि आप इस तरह की तैयारी कीजिए, इस तरह से पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं? मेरे मन में रिसर्च करने का ख्याल हमेशा से था, मेरा इंक्लिनेशन उसी की तरफ था, थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन था मेरा रिसर्च की तरफ। और फिर जब मुझे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अंडर ग्रेजुएट रिसर्च को काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो जब इस तरह की बातें मुझे, इस तरह के मौके मिले, प्लेटफॉर्म मिले, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ सीज द अपॉर्चुनिटी। एक कहावत है कैपरी डीएम, यानी सीज द डे, तो हर दिन को पूरी तरह से जिए, उसका पूरा सदुपयोग करें एंड पूरी तरह से उसे साकार बनाने के लिए अपना सारा प्रयत्न उसी दिशा में कीजिए। तो हाँ, रिसर्च और ये सब में मेरी हमेशा से रुचि थी, बट उसे कारगर साबित कर पाना मैं समझता हूँ ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जीक्यूशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ। और अगर हम बात करें तो कितने घंटे आप निकालते थे पढ़ाई के लिए, ये भी शायद बहुत सारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानना चाहते होंगे कि किस तरह का रूटीन आपका दिन भर का रहता था। सुबह जब उठते थे तब क्या सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाते थे, रात तक आपका क्या कुछ शेड्यूल रहता था, उसके बारे में भी बताइए। जी, सुबह वैसे तो मैं सिंगापुर में तो सिंस 2.5 घंटे आगे हैं, तो ऑफ कोर्स इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी जल्दी उठ जाता था मैं, बट हाँ अराउंड 12 to 14 hours a डे इनटू रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज, पढ़ाई कहिए, कॉलेज एक्टिविटीज कहिए, लग जाता था। और उसके अलावा मैंने काफी समय अपने पर्सनल ग्रूमिंग पे, प्रेजेंटेशंस पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, इस सब पे मैंने काफी एम्फेसिस दिया है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्स्ट बुक इस ज्ञान, जो किताबी कीड़ा कहते हैं, केवल उस तरह से होना काफी नहीं है, तो आपको इनफ समय देना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज को, जो आपको एक वेल ग्रूम्ड इंडिविजुअल बनाए। तो हाँ, बट समय की बात करें तो काफी रेटोरिकल फिगर है ये, बट हाँ अराउंड 17-18 hours a डे ऑक्यूपाइड रहता था। जी सिद्धार्थ, माता पिता को जब इस बारे में जानकारी मिली कि आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हुई, एक अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर हुआ है, बेटे ने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, उसके बाद माता पिता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? माता पिता काफी खुश हैं, दोनों मेरे साथ हैं इस वक्त, और मेरे पेरेंट्स जो हैं, हर पेरेंट की तरह उनका ही आशीर्वाद रहा है, कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेटेड रखा है उन्होंने, जब जब मैं सिंगापुर में था, क्योंकि घर से दूर था, तो हर दिन मैं बात तो कर लेता था, किसी दिन बातें नहीं होती थी, तो उन्होंने उसके लिए स्काइप वगैरह सीख के, क्योंकि अभी की टेक्नोलॉजी है, तो काफी कनेक्टेड रहे हैं मुझसे और मुझे वेल मोटिवेटेड रखा है। अभी भी दोनों बहुत खुश हैं, बट उनका भी यही कहना है कि हमें खुश होने से ज्यादा आगे क्या करना है और किस तरह से
पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए इसके बारे में हम आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और सिद्धार्थ की माता जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिद्धार्थ बचपन से ही पढ़ाई में कितनी रुचि लेते थे और किस तरह से उन्होंने पूरी तैयारी की, किस तरह से पूरा ये मेहनत का जो क्रम है, ये सिलसिला है, किस तरह से जारी रखा ताकि आगे वो इस मुकाम तक पहुंच सके। इस बारे में हम बात करेंगे सिद्धार्थ की माता जी से और साथ ही उनके पिताजी से भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ श्रेय माता पिता का रहा, इससे योगदान रहा इस सिद्धार्थ की पढ़ाई में और साथ ही आगे उन्हें नौकरी पाने में। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए फर्स्ट न्यूज के साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, हॉल नहीं फुटबॉल ग्राउंड है जी, और पिछले साल यहाँ टूर्नामेंट भी हुआ था। अब खड़े मत रहिए, आइए ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे, और वो वहाँ पर से चांद देखकर सोचता है कि कितना निराला बेडरूम है। और कहाँ हो तुम? अरे भैया साथ में रहकर घूम जाओगे, आओ आओ। और डीलर भाई साहब कहाँ गए? हेलो, आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था, अपनी जिंदगी दिखा रहा था। कितना बड़ा घर है पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अरे आप लोग गए नहीं? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? जी मैं परिवार के लिए खाना बना रहा हूँ भाई, खुश भी तो रहना। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शुक्रवार के इस एडिशन में कवर स्टोरी, मेरी देह किसी की मिल्कियत नहीं, साप्ताहिक पत्रिकाओं में सबसे अलग शुक्रवार। इन दिस एडिशन ऑफ मनी मंत्रा कवर स्टोरी, आधार ग्रुप, फॉर्टनाइटली मैगजीन मनी मंत्रा, द वर्ल्ड ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के सिद्धार्थ राजहंस की। सिद्धार्थ को गूगल ने 3 करोड़ के सालाना पैकेज पर नौकरी दी है। इंदौर का ये होनहार युवा जनवरी में गूगल की नौकरी ज्वाइन करने वाला है। सिद्धार्थ की इस कामयाबी से उनके परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। माँ पद्मा का कहना है कि उन्होंने कभी अपने बेटे पर कोई दबाव नहीं डाला। सिद्धार्थ का मन मैनेजमेंट की पढ़ाई में था और उसी की बदौलत आज ये कामयाबी उन्होंने हासिल की है। जनवरी 2014 में सिद्धार्थ गूगल ज्वाइन करने वाले हैं। सिद्धार्थ को 3,04,500 pounds का सालाना पैकेज ऑफर किया गया है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 3 करोड़ रुपए के बराबर है। सिद्धार्थ को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रॉयल सोसाइटी ने भी FRS की उपाधि से नवाजा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी सिद्धार्थ राजहंस से और अब उनकी माता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पद्मा जी बहुत बहुत स्वागत आपका पर्स न्यूज पर और अपने बेटे की इस कामयाबी पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। थैंक यू कनिका जी। पद्मा जी ये जानना चाहेंगे कि कितनी खुश हैं आप बेटे की कामयाबी से? हालांकि माता पिता हमेशा बहुत खुश होते हैं, लेकिन गूगल में जॉब मिलना और उसके बाद इतना बड़ा सैलरी पैकेज ऑफर होना कितनी बड़ी खुशी आप लोगों के लिए? बहुत, हम लोगों को तो, हम दोनों को यस पेरेंट्स बहुत खुशी हुई है। सिद्धार्थ हमेशा ही एक लक्ष्य के साथ चलता था एंड उसने अपना लक्ष्य हासिल किया है। अभी और उसको काफी कुछ करना बाकी है, अपना PhD MBA सब करना बाकी है जी। तो पद्मा जी क्या बचपन से ही आप सिद्धार्थ को इस तरह से देखती थी कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते थे? खुश हैं सिद्धार्थ के लिए जी। बिल्कुल पद्मा जी, क्या आप सिद्धार्थ को बचपन से इस तरह से देखती थी कि वो बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ परिश्रम करते हैं? हाँ सिद्धार्थ हमेशा से, बचपन से ही, आई मीन राइट फ्रॉम हिज नर्सरी डेज, मुझे बोलना चाहिए, हार्ड वर्किंग था, बहुत ही हार्ड वर्किंग था वो। अपना जो भी छोटे से टॉपिक था वो सीरियसली लेता था सिद्धार्थ, हमेशा फोकस था, छोटे छोटे इसमें पार्टिसिपेट्स करना बचपन के दिनों में, प्राइमरी डेज में भी, सेकेंडरी स्कूल में भी, और काफ़ी सिद्धार्थ ने अपने डिबेट्स में, क्विज कॉम्पिटिशन्स में, सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी प्राइज जीता है उसने जी। बिल्कुल
बिल्कुल पद्मा जी, साथ ही ये जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को उसके साथ साथ काफी कोशिश करनी पड़ती है ताकि वो अच्छी जॉब कर सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। एज अ मदर अगर मैं बात करूं तो किस तरह से आपने ये योगदान दिया सिद्धार्थ की इस कामयाबी के लिए? देखिए, बचपन से हमने उसको गाइड तो जरूर किया है, बट जो भी फाइनल डिसीजन रहा है सिद्धार्थ का ही रहा है। हमने कभी सिद्धार्थ को प्रेशराइज नहीं किया है। उसका जो भी डिसीजन था हम दोनों ने उसका साथ दिया जी। जो भी गाइडेंस था उसको टाइम टू टाइम हम देते रहे, क्योंकि बच्चों को टीनेज में गाइडेंस की तो बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमारे एक्सपीरियंस से हम बताते रहे सिद्धार्थ को जी। बिल्कुल पद्मा जी, तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं उसमें हम देख सकते हैं सिद्धार्थ को कि किचन में आपकी मदद भी कर रहे हैं कामों में। क्या घर में कामकाज में आपकी हेल्प करते हैं और कौन कौन से काम है जो कर लेते हैं? क्या कभी खुद भी कुछ कोशिश करते हैं कि किचन में आज जाकर मम्मी को कुछ सरप्राइज देना है, कुछ उनके लिए खास बनाना है? नहीं, डेफिनेटली सिद्धार्थ हमेशा घर में भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे हैं। वो वेरी एंथुजियास्टिक, किसी भी न्यू डिश प्रिपेयर होती है तो उसमें हेल्प करते हैं। फेस्टिवल्स आते हैं तो फेस्टिवल्स में भी बहुत जोर शोर से वो भाग लेते हैं। ही इज ऑलवेज वेरी एंथुजियास्टिक जी। पद्मा जी, माँ के हाथ का बना पसंदीदा खाना क्या है सिद्धार्थ का? क्या कुछ खाना पसंद करते हैं? कौन कौन सी चीजें जो वो फरमाइश करते हैं आपसे कि आप मैं घर आ रहा हूँ तब आप मेरे लिए ये सारी चीजें प्रिपेयर कीजिए? वैसे तो काफी सारी डिशेस हैं सिद्धार्थ को। छोले बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है सिद्धार्थ को जी। तो अब बेटे की कामयाबी को मनाने के लिए आपने क्या क्या डिशेस हैं जो तैयार की हैं? कौन कौन सी मिठाइयां हैं जो बनाई हैं सिद्धार्थ के लिए? काफी कुछ मिठाई बनाई है, वो जो भी फरमाइश करते हैं बनता ही रहता है घर में जी। बिल्कुल। तो हम सिद्धार्थ की माता जी पद्मा जी से लगातार बात कर रहे हैं और सिद्धार्थ की माँ का कहना है कि वो हर वक्त सिद्धार्थ की मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बच्चों को किसी भी स्टेज में, जो आज का एक कॉम्पिटिटिव दौर है जहां मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, एक नाइन्थ के बाद उनका बचपना ही चला जाता है, इतना ज्यादा उनको प्रेशराइज किया जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। उनको फ्री, उनको जो लेना है जो करना है, आजकल तो इतने स्कोप्स हैं। तो आई मीन ऐसा नहीं कि बच्चे को पुश करो, उसको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसी लाइन में पुश करो, वो नहीं। एक्चुअली सिद्धार्थ का हर डिसीजन उसका खुद का रहा है और हमने साथ दिया है। तो आपने सुना कि सिद्धार्थ की माता जी का कहना है कि बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए पढ़ाई के लिए। जो भी उनको करना हो, जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, वो करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और एज अ मदर एंड फादर सिद्धार्थ के माता पिता ने यही योगदान दिया कि सिद्धार्थ को जरा भी फोर्स नहीं किया। वो जो करना चाहते थे, जो डिसीजन अपनी जिंदगी के लिए लेना चाहते थे, वो डिसीजन उन्होंने लिया। कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और उसके बाद आज ये मुकाम हासिल किया। और गूगल में एक अच्छी नौकरी तो पाई ही, लेकिन एक अच्छा सालाना सैलरी पैकेज पाया जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 3 करोड़ रुपए है। एक बार फिर हम रुक करते हैं दौर का, जहां पर एक बार फिर हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं लाइन पर। सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे आपसे कि हमने आपकी माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ये हम समझ चुके हैं कि माता पिता ने आप पर कोई प्रेशर नहीं डाला, लेकिन सामाजिक प्रेशर कई बार होता है। आप जहां पर पढ़ाई करते हैं वहां पर इतना कॉम्पिटिशन होता है कि आप खुद ब खुद प्रेशर में आ जाते हैं। उस प्रेशर को दूर करने के लिए आपने क्या किया? कितने कूल माइंडेड होकर पढ़ाई की आपने? जी। स्ट्रेस जो है, आपके जैसे कह रही है, प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। और क्योंकि स्ट्रेस और ये सब चीजें जो हैं बहुत अफेक्ट करती हैं स्टडीज को, फिजिकली मेंटली सब।
तो एक्सरसाइजेस एंड उसके अलावा रिक्रिएशन किसी तरह का होना चाहिए। और एक मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने काम को ही अपना पैशन बना लें, अपना जुनून बना लें, अपनी इच्छा लगन बना लें, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके बाद आदमी को किसी तरह का तनाव या थकान ये महसूस नहीं होता। आपका काम ही रोज का, आपकी रोजमर्रा आपका काम ही आपका एंजॉयमेंट बन जाता है, तो फिर उसके बाद ना थकान महसूस होती है, ना लेट वर्किंग आवर्स महसूस होते हैं, आपको यू स्टार्ट एंजॉयिंग आपका डे टू डे लाइफ और जो पढ़ाई है जी। तो उसके साथ खुश रहना और अच्छे से अपने गोल्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये हम समझ चुके हैं कि आपने अपनी पढ़ाई को बहुत एंजॉय किया, पैशन के साथ पढ़ाई की, और शायद यही वजह है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जब आपको कुछ खाली वक्त मिलता था, या फिर हम कहें कि आप एंजॉय करना चाहते थे, एंजॉयमेंट के लिए आप क्या कुछ करते थे, क्या कुछ चीजें हैं जो आपको करना पसंद है खाली वक्त में? जी, वैसे तो मुझे रीडिंग करना पसंद है, लेखिका पसंद है, तो ये दोनों चीजों में मैं काफी इंटरेस्ट लेता हूँ एक्टिवली। मैं अपनी खुद की बुक भी लिखने की सोच रहा हूँ, जो शायद 2014 में पॉसिबल हो जी। और इसके साथ ही मैं और बाकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वगैरह सिंगापुर में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स देखने जाना हो, कॉलेज एक्टिविटीज हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो यूनिवर्सिटी की, और उसके अलावा इन तरह के एक्टिविटीज में काफी मैंने योगदान भी दिया है, सुपरवाइजर रहा हूँ इन सब चीजों का, तो इस तरह से अपने आप को काफी बिजी एंड इन्वॉल्व रखा है, ताकि कभी घर से दूर होने की बात और इस तरह की चीजें महसूस ना हो। जी बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस कामयाबी पर पूरे इंदौर वाले, पूरे भारतवासी बहुत खुश होंगे, और इस तरह की कामयाबी पाने के लिए अब आगे और कई सारे स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिली होगी आपसे कामयाबी पाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपकी माताजी और पिताजी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।